इंद्री की अनाज मंडी में आज 15 अगस्त का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने ठीक 8:58 पर झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर परेड की सलामी के बाद विधायक सुभाष सुधा ने प्रदेश और देशवासियों को आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की और 15 अगस्त के पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि इन महान सपूतों की शहादतों के कारण ही आज हम आजाद देश में सांसें ले रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को भी याद किया जिन्होंने अपने देश की एकता और अखंडता के लिए कुर्बानियां दी। 1857 की क्रांति में हुए शहीदों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीदों के बारे में जान सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। इसी के साथ आज भारत में तिरंगा है पूरा देश तिरंगों के रंगों में रंगा है, देशभक्ति के रंगों में रंगा है। आवास के रूप में आवास पूरे कर दिए हैं। इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बधाई देता हूँ। मैं इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता की प्रगति पर अपने प्राणों की होली देने वाले सभी ज्ञात अज्ञात शहीदों को भावभीनी सलामी देता हूँ। साथ ही उन वीर सैनिकों को भी सलाम करता हूँ जिन्होंने आज़ादी के बाद देश की एकता और अखंडता की खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भाइयों बहनों, 1857 की क्रांति सबसे पहले अबाला छावनी से शुरू हुई थी। यहाँ से उठी दीवारी ने ना केवल प्रथम स्वतंत्रता सलाम का रूप धारण कर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काम किया, बल्कि आगे चलकर ऐसा जल वन खड़ा कर दिया जिसके बलबूते पर हम सन 1947 में अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में सफल रहे। 1857 की क्रांति के दौरान देश का हर गांव क्रांति का केंद्र बन गया था। भवानी का रघुनाथ गांव, हांसी का लाल सड़क, जर्जर की गांधी की महन का आजाद चौक और नसीबपुर चट्टानों की लड़ाई अंग्रेजी हुकूमत के दुश्मनों के खिलाफ हरियाणा वासियों के संघर्ष और बलिदान की साक्षी है। प्रिय प्रदेशवासियों, जो कौम अपने सेनानियों और अपने शहीदों को याद नहीं रखती उनका सिस्टम मिट जाता है। इस देशीय सन 1857 की क्रांति के शहीदों की स्मृति को सजाने के लिए अम्बाला छावनी में स्मृति समारोह का निर्माण किया जा रहा है। इसका कार्य लगभग पूरा होने वाला है। हरियाणा की माटी के लाल लापूरा लाल ने भी जिला नसीबपुर में बैठकर मुकाबला किया था। उनकी याद में बादशाह भी एक समाज बना जाएगा। इसी तरह गाँव के शहीद की याद को ताजा रखने के साथ साथ इसे रश गाँव बनाने के उद्देश्य से हमने मुकाम क्रिकेट ट्रस्ट की स्थापना की है। भाइयों बहनों, बड़े ही गौरव की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर आज पूरे देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस कड़ी में नमो बादशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 400 वर्ष प्रकाश वर्ष पर पानीपत के राज्य से भी समारोह आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशम पातशाह श्री गोविंद सिंह जी के सात बहादुर जोरावर सिंह फतेह सिंह के शहीदी दिवस 26 सितंबर हर वर्ष के लिए वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अमर स्वतंत्र सैनिक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को प्रकट दिवस के रूप में मनाने की पहल भी की गई है। प्यारे देशवासियों, गौरव का विषय है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 से 15 अगस्त तक देश भर में हर घर में तिरंगा की ऊंची मुहिम चलाई है। हरियाणा वासियों ने भी खुशी जोश और जज्बे के साथ अपने 60 लाख घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस जोश और जज्बे के साथ हम अपने जवानों को शहादत देते हैं। हरियाणा प्रदेश की आज़ादी का अमृत मनाने के लिए अब तक 10,000 से अधिक